हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एआर में। आज इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी 133 का। ये हमारा दोस्तों पार्ट थर्ड है। यदि आपने पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल में आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीपीएससी 133 पास जून 2023 के नाम से। तो आप वहां पर जाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो इसमें हमसे पूछा गया है नव मार्क्सवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सिंपल से हमें लिखना किस तरह से है, नव मार्क्सवाद की विशेषताएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहले पॉइंट बनेगा हमारा, नव मार्क्सवाद की पहली विशेषता यह है कि यह आर्थिक कारणों के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों से संबंधित अध्ययन में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि यह ऐसे कारक होते हैं जो सामाजिक संरचना में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होता है। तो सिंपल से आप पॉइंट बना बना के काफ़ी पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट हमारा है, नव मार्क्सवाद की दूसरी विशेषता यह है कि यह एक तरफ जहाँ ऐतिहासिक विषयों का ज्ञान दिलाता है, वही दूसरी तरफ सामाजिक संरचना आगत से संबंधित विषय के बारे में हमें ज्ञान दिलाता है। एक तरफ हमें ये ऐतिहासिक विषयों का ज्ञान दिलाता है और दूसरी तरफ सामाजिक संरचना आगत से संबंधित विषयों के बारे में हमें ज्ञान दिलाता है। थर्ड पॉइंट हमारा होता है, नव मार्क्सवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें ऐतिहासिक अनुभव के बारे में ज्ञान तो दिलाता ही है, साथ ही साथ ऐतिहासिक ज्ञान और अनुभव के साथ हमें अन्य विषयों से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति में यह काफ़ी सहायक होता है। इसके अलावा नव मार्क्सवाद विभिन्न विषयों के अध्ययन से संबंधित हमें जानकारियाँ प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, नव मार्क्सवाद की एक अन्य विशेषता यह है कि इस माध्यम से हमें पूंजीवादी व्यवस्थाओं के संरचना के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था का आखिरकार संरचना कैसे हुआ है, इस विषय से संबंधित हमें पूरा ज्ञान नव मार्क्सवाद के सिद्धांतों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। सिंपल से नव मार्क्स की एक अन्य विशेषता यह है कि इस माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था के संरचना के बारे में हमारी पूरी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी तरह से हमारा फिफ्थ पॉइंट है, नव मार्क्सवाद की अन्य विशेषता यह है कि इसकी एक मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार नव मार्क्सवाद यह कहता है कि हमारे देश में पूंजीपति और साथ ही साथ समाज के जितने भी श्रमिक और मजदूर वर्ग हैं, यह सभी कानूनी रूप से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात हमारे देश में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच कानून से संबंधित सभी नियम समान रूप से लागू होते हैं और यह सभी कानूनी रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो सिंपल से आपको मिल गया होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।